Assalamualaikum and welcome to DIY Cake Series Episode 1. बहुत सारे इंशाल्लाह एपिसोड्स आएंगे. हर वीडियो में मैं आपको दो केक लुक्स एंड डिफरेंट फ्लेवर्स बनाना सिखाऊंगी. Surely you don't want to miss any episode, so please subscribe right away, hit the bell icon and give me a thumbs up. I promise, एक सेकेंड लगेगा. For me, a perfect cake depends upon three things. The taste should be amazingly delicious, it should look extraordinary and tempting, and cost should be as low as possible. पहला केक जो मैंने बनाया है वो वॉयलेट केक्स लंदन से इंस्पायर होकर बनाया है. हर फेमस विक्टोरिया स्पंज केक. आइसिंग उसकी अनक्लीन सी होती है जिससे वो ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है. डिलिशियस वनीला केक लेयर्स फिल्ड विद होममेड स्ट्रॉबेरी सॉस. वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको केक ए ज़्यादा अच्छा लगा या केक बी. पहले आप मिनी केक टिन ले लें और उसे बटर लगा लें, अच्छी तरह बटर लगा लें जिससे केक आसानी से निकल आएगा. बटर पेपर भी लगाएं. मिनी केक टिन लिया मैंने. फिर एक बॉल में आप सॉफ्ट बटर ले लें 3 oz और 1 oz आपने ऑयल लेना है, क्योंकि बटर बेस्ड केक फ्रिज में हार्ड हो जाते हैं तो मैं ऑयल ऐड करती हूँ ताकि वो सॉफ्ट रहें. 4 oz आपने शुगर ऐड करनी है और इसको तब तक बीट करूँगी जब तक ये लाइट एंड क्रीमी ना हो जाए. ये लाइट एंड क्रीमी हो गया है. अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1 teaspoon वनीला एसेंस और 4 oz फ्लार. मैदा डाल रही हूँ छाना हुआ. अब इसको बीट कर लें, अच्छी तरह कंबाइन हो जाए तब तक बीट करना आपने. फिर इसमें डालें 2 tablespoon आप नीम गरम दूध और अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब 2 अंडे डालें और बस तब तक मिक्स करना है जब तक ये कंबाइन ना हो जाए. ओवर बीट आपने नहीं करना अंडे डालने के बाद. अवन अपना प्री हीट कर लें 180°C पर और इसे तब तक बेक करें केक को जब तक ये बिल्कुल क्लीन होकर टूथपिक आप डालें और टूथपिक क्लीन ना आ जाए. अवन के टेम्परेचर्स डिपेंड करते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो किसी के अवन में जल्दी पक जाता है, किसी के अवन में देर से पकता है. अब स्ट्रॉबेरीज फ्रोजन लिया मैंने और इसमें डाल रही हूँ 6 tablespoon शुगर. ये तकरीबन 20 strawberries हैं. अच्छी तरह मेल्ट होने तक इसको मिक्स करूँगी. इसमें 1 lemon juice आपने डाल देना, 1 lemon का जूस डाल देना. 1/2 teaspoon वनीला एसेंस, 2 tablespoon आपने कॉर्नफ्लावर डालना है. इसे मिक्स करें. मीडियम हीट पर आपने इसे पकाना है, खुद ही थिक होगी. इसमें आपने 1/2 glass पानी भी ऐड करना है. इसे तब तक पकाएं जब तक ये थिक होने और क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए. ओपेक हो जाएगी बिल्कुल, ये थिक भी हो रही है. अब आप स्ट्रॉबेरीज भी मैश करें. और ये देखें, 1 coating स्पून पर रह रही है खुद ही. बाकी 1 coating जब तक रह जाए, ये इतनी थिक काफ़ी है, ठंडी होके भी थिक होनी होती है. केक बेक हो गया, इसे साइडों से अलग करके निकाल लें. केक्स को आपने बटर क्रीम में कोट करने से पहले आपको फुल ठंडा करना होता है, तो आप इसे फ्रिज में ओवरनाइट रख दें या फ्रीज़र में रख दें. इसको लेवल करने के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरी केक लेयर्स बिल्कुल लेवल हो. मैं इसको पहले टॉप से काट रही हूँ ताकि दोनों केक्स जो मैंने बेक किए हैं, 2 केक्स बेक किए हैं, वो बिल्कुल इक्वल हों. इसे बीच में से काटूँगी ताकि हर बाइट में आइसिंग और डिलिशियस स्ट्रॉबेरी सॉस आए. मैंने 8 पर रख कर इसे बीच में से काट लिया. अपना दूसरा भी बैटर ने 2 mini cakes बनाए हैं, तो उसको मैंने 4 में काट लिया. दूसरा वाला भी ऐसे काट लूँगी ताकि इक्वल केक लेयर्स आए. अब ये मैंने आइसिंग के लिए 1 cup बटर लिया है, सॉफ्ट रूम टेम्परेचर पर है. उसे तब तक बीट करूँगी जब तक कि एरी और शाइनी सा ना हो जाए. बिल्कुल जब तक मैं स्प्रेड करूँगी बटर को तो बिल्कुल जोर नहीं लगेगा, आराम से स्प्रेड हो जाएगा. तकरीबन 5 मिनट आपने इसे लगातार बीट करना है. बोल भी स्क्रेप करते जाएं. जब तक शाइनी ना हो जाए बीट करें. ये शाइनी हो गया. अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 cup सिफ्टेड आइसिंग शुगर. आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये परफेक्टली मीठी होती है. अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें. 1 cup थोड़ा भर के कर लें. इसे अच्छी तरह बीट करें जब तक ये कंबाइन ना हो जाए.
ये मेरी क्लासिक बटर क्रीम की रेसिपी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। अब मैं इसमें दूध नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, इसमें मैं 2 टेबलस्पून क्रीम डाल रही हूँ उसको थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर देने के लिए, ताकि इजीली हमारा क्रम्ब कोट हो जाए केक। अब क्रीम यूज़ किया कर बटर क्रीम, और 2 टेबलस्पून मैंने अपनी सॉस डाल दी स्ट्रॉबेरी सॉस। कलर देने के लिए मैंने पर्पल और रेड कलर मिक्स किया है, वो डिज़ायर्ड लुक, ताकि डिज़ायर्ड लुक आ जाए उसके लिए मैंने 2 कलर मिक्स किए हैं, पर्पल और रेड, मरूनिश सा रेड बन गया। ये डन हो गया मरूनिश पर्पल, आई थिंक लाइट की वजह से सही कलर आ नहीं रहा। अब इसे पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लें अपनी आइसिंग। इस तरह पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करने से बहुत इजी हो जाता है कि आप केक पर लगा सकते हैं, इक्वली लगती है बिल्कुल, बहुत स्प्रेडेबल है और थिन कंसिस्टेंसी है, हार्ड नहीं होनी चाहिए आपकी आइसिंग। बटर बीट सही किया होगा तो ये कंसिस्टेंसी होगी, इजीली आपके क्रम कोड हो जाएंगे केक। एक केक स्टैंड ले लें, इससे बहुत ईजी हो जाता है केक को डेकोरेट करना। इस पर केक बोर्ड रखें और आइसिंग लगा दें, इससे केक हमारा स्टिक हो जाएगा और हिलेगा नहीं। केक स्टैंड आप एक ले लें, बहुत यूज़फुल होता है। इस पर मैं अपना सिंपल सिरप लगा रही हूँ और आइसिंग कॉर्नर्स पे लगाऊंगी सिंपल, क्योंकि सेंटर में तो मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस लगानी है। इसमें मैं सेंटर में सॉस डाल दूँगी। सिंपल सिरप मैंने 4 टेबलस्पून चीनी और 3 टेबलस्पून पानी को अच्छी तरह पका कर बनाया। इसे अच्छी तरह से इवन कर दें। साइड से भी आपने अच्छी तरह इवन कर देनी है आइसिंग। सेकंड केक लेयर रखें और सेम प्रोसेस रिपीट करें। सिंपल सिरप, आइसिंग एंड स्ट्रॉबेरी सॉस। दिस सॉस इज हेवन लिटरली। सेम प्रोसेस रिपीट करके आपने एंड लेयर पे भी थोड़ा सा सिंपल सिरप लगाकर इसको 10 मिनट के लिए आपने एटलीस्ट रेफ्रिजरेट करना। ये आइसिंग हार्ड हो जाए फिर हम अपना नेक्स्ट क्रम कोट करेंगे, इस तरह वरना मेल्ट होगी तो आपका केक सही तरह कोट नहीं होगा। गर्मी भी आजकल बहुत है तो आपने आइसिंग फर्म कर देनी है फ्रिज में रखकर। अगर आपकी आइसिंग फर्म 10 मिनट में नहीं होती तो आप टाइम बढ़ा दें, इसे फर्म होनी चाहिए। अब मैं इसे सेट करके फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में रखती हूँ, ये ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं ऑल अराउंड में इसके आइसिंग अपनी पाइपिंग बैग से लगा दूंगी। बहुत इजी हो जाता है ये वाला मेथड, आप ज़रूर करें। आपने स्पैचुला स्मॉल साइज का ही लेना है, बड़े स्पैचुला आप मिनी केक्स पे यूज़ नहीं कर सकते। बहुत यूज़फुल टूल है, आप एक दफ़ा लेकर रख लें, बहुत काम आता है। बहुत रस्टिक सा उसका केक लुक था तो इसमें आपको ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप यहाँ क्लीन नहीं भी कर सकते तो उसका केक लुक बहुत रस्टिक सा था, अनक्लीन सा था। इवन कर लें। अब ये स्पेड में इसके अगेंस्ट रख के एक दफ़ा इसको, ताकि एक्स्ट्रा आइसिंग जो होगी वो फिर उतर आएगी और इवन थोड़ा हो जाएगा। जो बिगनर्स जो पहली दफ़ा केक बना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। साइड्स पर मैं ये एक कोट लगा रही हूँ, उसका जो बिल्कुल क्लीन केक नहीं था तो मैं उसको थोड़ा सा डर्टी लुक देने के लिए एक दफ़ा ये कोट लगा रही हूँ। और ये मैं इसको इवन नहीं करूँगी, बिल्कुल इस तरह ही छोड़ दूँगी। एजेस पर भी आपने इसी तरह पुश करना है थोड़ी सी लगा कर, बीच में भी 1 टीस्पून से लगा दिया।
और बस आपने यहाँ पर आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत टेम्पटिंग लगेगा। अब ठंडा कर लें इसे, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए तो आप इस पर फ्लावर्स से डेकोरेट कर सकें। फ्रेश फ्लावर लेने से अच्छा आप आर्टिफिशियल ले लें, वो पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं और दूसरा लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, बाद में आपके खाने के बाद उसको डेकोरेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप पेस्टल कलर्स भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैंने सॉफ्ट कलर इस पर्पल के साथ सॉफ्ट कलर्स जाने थे तो मैंने सॉफ्ट कलर के लगाए हैं फ्लावर्स इस पर। एंड दैट्स इट, सुपर मॉइस्ट केक है और बहुत डिलिशियस बनता है। सेकेंड हमारा है इंटेंसली अमेजिंग चॉकलेट केक। ये सेमी नेकेड केक है और ये मैं बनाती रहती हूँ। इसके लिए हमारे केक की लेयर्स, चॉकलेट केक की रेसिपी जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मेरी हेज़लनट मूस केक वाले पे जो केक की रेसिपी है वो मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, वो चॉकलेट केक मैं उसी से बनाती हूँ। इसमें सिंपल सिरप में मैंने 2 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स भी मेल्ट कर ली थी, इससे बहुत ज़्यादा चॉकलेटी टेक्सचर और टेस्ट आ जाता है केक में। या आपने सारा सोक कर देना है इसके अंदर। और वनीला बटर क्रीम मेरी बेसिकली वही है, उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस नहीं डाली। वनीला बटर क्रीम की रेसिपी मेरी वही है, आप स्ट्रॉबेरी सॉस ऑप्ट कर दें। अभी इस पर हेज़लनट स्प्रेड लगा दें। अच्छी तरह सेंटर में आपने एक थिक सी लेयर लगा देनी है हेज़लनट स्प्रेड की। केक्स आपके बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, वरना अगर आप आइसिंग कर रहे होंगे तो आइसिंग मेल्ट हो जाएगी। नेकेड केक के लिए होता है, क्योंकि नेकेड होता है उसमें से नज़र आ रहा होता है केक, तो 2 थिक लेयर्स होनी चाहिए। तो मैंने इसको लेवलर से नहीं काटा बीच से, और 2 लेयर्स रखी हैं और बीच में एक थिक अमाउंट ऑफ आइसिंग होनी चाहिए, उसे बहुत खूबसूरत टेक्स्चर आ जाता है केक का। ये भी बिगनर्स के लिए बहुत आसान है, कॉर्नर्स पे आइसिंग लगाएं पहले फिर अंदर फिल कर दें। अब मैं कॉर्नर पे दोबारा आइसिंग का एक कोट लगाऊंगी, क्योंकि सेंटर में आइसिंग नज़र आनी चाहिए और केक्स का थोड़ा ज़्यादा फासला होना चाहिए, बाहर से सारा नज़र आता है। सेकेंड केक लेयर पे भी आपने सेम सिंपल सिरप डालकर अब इसको फ्रिज में आप हार्ड होने के लिए, लाइक आइसिंग फर्म हो जाए तक के लिए रखते हैं, 15-20 मिनट जितनी भी देर के लिए आपने रखना है। फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र में जितनी जल्दी हार्ड होता है उतनी जल्दी मेल्ट भी हो जाता है। क्लीन करके आप इसे फ्रिज में रखते हैं। ये ठंडा हो गया है, अब इसके ऊपर मैं ऑल अराउंड पाइपिंग बैग से आइसिंग कर दूंगी। यहाँ पे आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेमी नेकेड केक है। आज 2 केक लुक्स मैंने बिगनर्स के लिए बनाई है, जो कि बहुत ईजी होंगी। आप पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तब भी बहुत प्यारा बनेगा। अगेंस्ट रख के इसको एक दफ़ा आप क्लीन कर लें। आप स्मॉल स्पैचुला से यूज़ करिएगा, इस पर बड़ा स्पैचुला यूज़ नहीं करना। ये जो गैप्स हैं इसको मैं मज़ीद आइसिंग लगाकर फिल कर रही हूँ। बीच में जो गैप्स रह जाते हैं उसमें आप दोबारा आइसिंग लगा सकते हैं। सारे गैप्स फिल कर लें। दोबारा गैप्स रह जाए तो दोबारा आइसिंग लगा लें। यहाँ पे आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसे नेकेड रहने देना, इतने ज़्यादा कोट नहीं लगाने। टॉप पर भी लगा लें, एजेस क्लीन कर लें। इसे रेफ्रिजरेट कर लिया मैंने 20 से 25 मिनट। अब ये हार्ड हो गई, फर्म हो गई, अब इसमें मैं फ्लावर्स से डेकोरेट करूँगी, क्योंकि ये वाइट कलर है तो मैं इस पर थोड़ा डार्क कलर के फ्लावर्स भी लगाऊंगी, ग्रीन एंड मरून टाइप कलर्स। ये रेडी हमारा केक। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।